हेलो गाइस, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, वेलकम बैक टू माय चैनल। और 2 दिन से व्लॉग नहीं आ रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आप सभी को सॉरी, क्योंकि तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसीलिए 2 दिन से व्लॉग कुछ शूट ही नहीं कर रही थी मैं, क्योंकि वीकनेस बहुत ही ज़्यादा आ चुकी थी इसीलिए। तो चलिए, आज व्लॉग स्टार्ट कर दिया है मैंने, तो अब इवनिंग से स्टार्ट किया है। तो अभी मैं जा रही हूँ बाजार में, क्योंकि अभी इस महीने में बाजार के चक्कर ज़्यादा लगेंगे हमें, क्योंकि ये मंथ अगस्त जो आता है ना, वो फुल ऑफ त्यौहार से भरा हुआ होता है। तो त्यौहार भी है, प्लस राहुल का बर्थडे भी है इसी मंथ में, तो सबकी शॉपिंग हमें करनी है। तो शॉपिंग थोड़ी बहुत हो चुकी है और थोड़ी बहुत अभी चल रही है, तो इसीलिए मैं जा रही हूँ बाजार, मम्मी के साथ ही जाऊँगी। तो सबसे पहले जाएंगे हम मम्मी के घर और फिर जाएंगे बाजार में। तो आज मैं जाऊँगी, राखी की शॉपिंग तो हो चुकी है, पर हम तीनों बहनों की राखी बाकी है और एक राखी मुझे और लेनी है, तो वो भी बाकी है। तो राखी की जगह मैं कपड़े ले रही हूँ, और कपड़े तो कपड़े नहीं कहना चाहिए, वस्त्र कहना चाहिए, कि भगवान जी के लिए उनके लिए मैं वस्त्र लेने वाली हूँ। जो ठाकुर जी के आते हैं ना, वो तो मैं ठाकुर जी को राखी बांधती हूँ ना, इसीलिए तो उनके लिए मैं हर साल न्यू क्या कहते हैं, वो जो वाखा आता है ना, हमारे गुजराती में वाखा कहते हैं, तो वो मुझे लेना है, वो मैं लूँगी। और फिर और कोई शॉपिंग हुई तो वो भी साथ में कर लेंगे। और चलिए अभी चलते हैं, निकलते हैं घर से और चलते हैं बाजार में, मम्मी के घर, फिर वापस से बाजार। चलिए, तो मैं पहुंच चुकी हूं बाजार में और रोन निकल गई, क्योंकि मम्मी नहीं आ रही है। अभी मैं अकेले अकेले देखे जा रही हूँ, और थोड़ा बहुत देख कर फिर मम्मी के घर चली जाऊँगी। अगर कुछ लेना होगा तो वो ले लूँगी, फिर आपको बाद में घर जाकर दिखाती हूँ। तो देखिए, अभी मैं यहाँ आ चुकी हूँ राहुल के लिए टी शर्ट देखने के लिए। फिर ऑटो व्लॉग देखते रही तो उनको तो पता नहीं चलेगा, अभी मैं आ चुकी हूँ देखने के लिए। तो देखिए, अभी रक्षाबंधन आने वाला है, इसीलिए सारी जगह पर बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है, स्पेशली राखी की जगह पर लेके ही रेडी है ना वहाँ पर। तो देखिए, मैं भी चाहती हूँ, क्योंकि अभी हम तीनों बहनों की देखने की बाकी है, इसीलिए। चलिए, तो अभी मैं आ चुकी हूँ सब्जी मंडी में, सब्जी वगैरह देख सकती हूँ, और कुछ होता है तो फिर लेके जाती हूँ घर पर। तो ये देखिए, हमें लौकी ली है और चिकम्बर लिया है, और तो कुछ है नहीं। चलिए, तो अभी लास्ट पे गाठिया ले लेते हैं, उसके बाद सीधा चलते हैं मम्मी के घर, हम यहीं से ले रहे हैं। हम बस चलिए, तो अभी मैं घर जा रही हूँ और फटाफट जा रही हूँ, धीरे भी जा रही हूँ, दोनों साथ में जा रही हूँ, क्योंकि मेरी चप्पल टूटने की कगार पर है। अगर टूट गई रास्ते में फिर खुले पैर जाना पड़ेगा, तो खुले पैर जाना नहीं चाहती, इसलिए धीरे भी चल रही हूँ, साथ में थोड़ा सा स्पीड चल रही हूँ, फटाफट घर पहुँच जाता है इससे पहले कि हमारी चप्पल टूट जाए। तो नहीं तो हमने मोजरी ली है, तो चप्पल लेने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी देखेंगे अगर लेनी होगी तो लेंगे। अभी तो चलते हैं सीधा मम्मी के घर पर, वहीं जाकर आप सब मिलते हैं। चलिए, तो मैं मम्मी के घर पर आ चुकी हूँ, अभी जाऊँगी सीधा रात को, राहुल खाना वाना खा कर आएँगे लेने, तब जाऊँगी यहीं पर हूँ, और देखेंगे अगर रात को कहीं बाहर जाना होगा तो घर पर बैठे मेरे बोर हो जाते हैं ऐसे भी, देखेंगे कहीं बाहर जाना होगा तो। चलिए, अभी तो भूख लगी है, खा लेते हैं। तो ये देखिए, मैं लेकर आ चुकी हूँ चना चाट, और मम्मी को भी भूख लग गई है, तो मम्मी खा रही है अचार और रोटी। हेलो मम्मी, जय श्री कृष्णा। तबीयत ठीक नहीं है मम्मी की, डाउन हो चुकी है, वीकनेस आ चुकी है। चलिए, तो मुझे राहुल लेने के लिए आ चुके हैं, तो मैं जा रही हूँ वापस घर पर। और अभी सुबह है ना, ओड़ा सीख रही है, ओड़ा आपने खाया है कि नहीं, उसे सबने खाया ही होगा, जो लोग जानते हैं ओड़ा क्या होता है, पीनट्स होते हैं मूँगफली, तो सीख रही, तो स्मेल आ रही है, फिर चलते हैं। तो ये देखिए, किस ओड़ा सीख रही है, पहले सीख लेना चाहिए था ना, नाश्ता करने ना महिला।
પાછી આવી ત્યારે શેક છે, અત્યારે તો સુગર ને જાઉં છું. તો યે દેખે રાહુલ આ ચુકે હૈ ઓર બાઇક પર બેઠ ભી ચુકે હૈ. ચલિયે અભી ચલતે હૈ ઘર પર. હેલો રાહુલ. હેલો. ગુડ ઇવનિંગ. ગુડ ઇવનિંગ. યસ. જય કૃષ્ણ. જય કૃષ્ણ. ચલિયે અભી. ચલિયે. મુજે બહાર સે કુછ ખાના હૈ. યા. પાણી પૂરી ખિલાએંગે. તો ચલિયે. चले तो मैंने मुंह के ऊपर चोखा लगा लिया है. अभी राहुल खिलाएंगे हमको पानी पूरी. खिलाएंगे ना राहुल? हाँ तो कह रहे खिलाएंगे. चलते तो चलिए अभी हम आ चुके हैं उस गली में जहाँ पर सारे फूड स्टॉल होते हैं, मोस्टली फास्ट फूड. तो देखते हैं कि रमेश भाई आए हैं या नहीं. तो ये दिख गए आए तो है. चलिए अभी खाएंगे हम. चल आराम पानी पूरी. चलिए अभी राहुल खाने जा रहे हैं. हमारी स्टार्ट हो गई तो मेरी आ गई. तो चलिए अभी पानी पूरी तो हमने खा ली और बैंड बज गई क्योंकि पानी बहुत ही ज़्यादा तीखा था. अभी भी थोड़ा थोड़ा मुँह चल रहा है. सूखी पूरी खाए है उसके बाद फिर चलते हैं. जल्दी जल्दी कहीं सोडा पीटे तो चलता है. और बच्ची तो खत्म भी हो गए. एक यहाँ पानी पूरी वाला है लेकिन उसकी हमें पसंद नहीं आती. हमें जलाराम की पसंद आती है. क्यों राहुल? हाँ प्रसाद लेट आया ना इसीलिए पानी बहुत ही ज़्यादा तीखा होता. क्या तीखा ही था? तीखा ही था. नॉर्मल भी तीखा था. देखिए चलते हैं तो लौंग और मरी जाती है ना खाना. हाँ उसका तो स्वाद आता है वरना स्वाद नहीं आता. अभी यही पानी पूरी मैंने घर पर बैठकर खाई होती ना तो अब तक मेरी गंगा और जमुना दोनों ही बह रही होती. मतलब मैं ऐसे ठेले पर खाती हूँ तब कुछ नहीं होता. तब सिर्फ नॉर्मली तीखा ही लगता है और घर पर खाते हैं ना गंगा और जमुना बहने लगती है. कि राहुल देखिए वो भी हाँ के चलिए चलते हैं. सोडा पीना नहीं राहुल अभी भी उगल रहा है इसीलिए. चलिए तो अभी हम रुक चुके हैं सोडा पीने के लिए और बस ये आ गई हमारी सोडा. चलिए तो हम आ चुके हैं फाइनली घर पर और अभी बस चेंज वेंज करेंगे और सो जाएंगे. राहुल को कल वापस काम पर जाना है. कल है संडे लेकिन वो ओवर टाइम कर रहे हैं क्योंकि फिर छुट्टी अभी होगी ना इस क्या कहते हैं इस मंथ में. क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये मंथ पूरा त्यौहार से भरा हुआ था. ऊपर से उसका बर्थडे भी है तो इस वजह से और दो छुट्टी अभी होगी. उसके बाद सातम आठम की छुट्टी तो पता नहीं फैक्ट्री से कितनी मिलेगी याद नहीं है तो वो भी है. तो इसीलिए कल वो जाएंगे और फिर 4:30 बजे तक आ जाएंगे घर पर. चलिए अभी चेंज करते हैं और फटाफट से सो जाते हैं. से नींद तो आ नहीं रही है लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे. तो इस व्लॉग को हम यही एंड कर देंगे. ये व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ. तब तक के लिए गुड नाइट. बाय बाय. जय श्री कृष्ण.